गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है छठ पूजा, तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। सो इस बार छठ हम लोग के घर में घाट पे नहीं हो रहा है, घर में ही हो रहा है छठ पूजा, क्योंकि कोविड की वजह से। और घाट पे सिर्फ 2 से 3 जन अलाउ है और हम लोग हैं 7 जन, सो इसी की वजह से घर में ही होगा इस बार छठ पूजा और छत पे होगा। तो चलिए मैं आप लोग के साथ आज का प्रिपरेशन दिखाऊंगी और पूरा ब्लॉग भी शेयर करूंगी। सो चलिए, मेरा बाल पूरा, मतलब जो मेरा हेयर है पूरा वेट है, सो इसी की वजह से मैं इसे कोम नहीं कर रही हूँ, बस मैंने क्लेचर लगा लिया है और अब मैं जा रही हूँ पूजा का तैयारी करने। चलिए मैं आप लोगों को घाट दिखाती हूँ कि कैसे मेरे भैया ने बनाया है छत पे। बेलता तो अभी यहाँ पे ठेकुआ बन रहा है और मैं यहाँ पे छान रही हूँ, और इसके बाद हम बनाएंगे खस्ता। तो 3 चीज़ बनता है, पूड़ी बनता है, ठेकुआ बनता है और खस्ता भी बनता है। अब हम बनाएंगे खस्ता, ठेकुआ बन गया, पूड़ी बन गया, तो अब हम जा रहे हैं खस्ता बनाने। यहाँ का कंप्लीट काम मेरा कंप्लीट हो गया, मैं जा रही हूँ फ्रूट्स धोने। आज जी मुझे अपना पार्सल रिसीव हुआ है वाला फ्लिपकार्ट से। एक मैंने नेकलेस ऑर्डर किया था वही वाला, और ये काफ़ी अच्छा है। सो आप लोग के लिए बहुत सारा वीडियो आने वाला है वेडिंग से रिलेटेड, तो बने रहिए मेरे साथ। सो अभी मैं जा रही हूँ फ्रूट्स धोने। ये रहा इसका इयररिंग जो आज मैं पहनने वाली हूँ, और इसके साथ मुझे मांग टीका भी रिसीव हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक ऑर्डर किया था, बट उसका नग जो था स्टोन था वो गिरा था, बट इसका एक भी स्टोन नहीं गिरा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है। सो मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, आधा घंटा बाद रेडी होना भी स्टार्ट हो जाएगा सबका। रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ। अभी पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, बट मैं उजाला में जाके आपको दिखाती हूँ। आई विश कि अच्छा लगे मेरा फेस, अभी उजाला नहीं पड़ा है। सो अभी सुबह का पूजा होगा, तो अभी मैं ड्रेस चेंज कर लूँगी और उसके बाद मैं आप लोग के साथ सुबह का ही शेयर करूँगी। और इस टाइम मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी बजे सुबह के 3 और अभी सबको उठ गया है। और ऐसे अगर घाट भी जाना होता तो हम 2 ही बजे उठते, क्योंकि 3 बजे तक हम निकल जाते हैं, पर अभी तो घर में ही है तो इसीलिए सब आराम से है। और अभी हम सो के उठ रहे हैं, अब जा रहे हैं रेडी होने, क्योंकि ऊपर जाना है इसीलिए।
ये है मेरा साड़ी जिसको मैं अभी पहनने वाली हूँ, जिसका ना पेटीकोट है ना ब्लाउज है, कुछ को भी नहीं खोल है। दो कि ऐसे ही रखूं। साड़ी का जो प्लेट है अच्छे से बैठा नहीं है, क्योंकि मुझे कोई चाहिए इसे बैठाने के लिए, और साड़ी मैंने खुद से पहन लिया है। सो मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ ऊपर। मैंने ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया है, मैंने सिंपल को सिंपल ही रखा है। ऐसे मुझे मन नहीं कर रहा ज़्यादा कुछ करने का, शीशी की वजह से। अब मैं तो सुबह के 3:30 बज रहे हैं गाइस, और बारिश आना शुरू हो गया है। और इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब बारिश आ रहा होगा सुबह के टाइम में। और उसके बाद हम खाना बनाने चले आते हैं 4:30 बजे के करीब में, क्योंकि खाना बन जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर हम बिजी हो जाएंगे इधर उधर करने में, प्रसाद देने में। तो अभी मैं गोभी आलू का और सब्जी बना रही हूँ, और बहुत सारा चीज़ बनता है, पकौड़ी, बहुत सारा चीज़ नहीं, दाल चावल पकौड़ी यही सब बनता है, सब्जी। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ और इस भाभी मेरी पकौड़ी बनी। और यहाँ पे भाभी रेखुवंश का पकौड़ी बना रही है, जो पत्ता का बनता है, रुई के पत्ता का। तो हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा बनता है, और ये हमारे घर में लगा हुआ है, होता भी है। तो ये मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है बनाने, बट मैं कभी कभी बना लेती ऑलमोस्ट खाना बन गया है, बस बाकी ये पकौड़ी बनाना। वैसे दाल चावल सब्जी बन चुका है, और अभी सूरज भगवान निकलने में भी टाइम है, कम से कम 1 घंटा, क्योंकि आज बहुत बारिश भी हुआ था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बारिश हुआ है छठ पूजा में, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मम्मी बोल रही थी कि मैं इतने दिनों से कर रही हूँ, बट फर्स्ट टाइम बारिश हुआ है इस बार, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद सब घर में कर रहा है इसके वजह से। सो मैं जा रही हूँ अब छत पे, 6 बजने वाला है, और वेट है सूरज भगवान। इस बार छठ पूजा सब कोई अपने छत पे ही किया है, मैक्सिमम लोग अपने छत पे किया है, बहुत कम जन है जो घाट पे गए हैं। और हमारे आसपास भी जितने जन वो लोग भी छत पे ही किए हैं। और यहाँ पे मेरे बाबू का डांस स्टार्ट हो गया है, गाना चल रहा है, तो मेरे बाबू बहुत डांस कर रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है। और मम्मी रेडी हो रही है सुबह का अर्घ देने के लिए, तो अभी एप्पल लगा रही है, सिंदूर लगा रही है, और उसके बाद अर्घ देंगे, क्योंकि सूरज भगवान निकल गए, बादल के अंदर छुप गए, दिख नहीं रहे हैं। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, अर्घ हो गया है और मैंने चाय चढ़ा दिया है, और ये है नया नया सस्पेन। तो किचन का हालत को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत बार देख चुके हैं मेरा किचन कैसा है। सो अभी ऊपर बन रहा है और जल्द बनने वाला है। अभी मम्मी सबको आदी और मीठा दे रही है, तो छठ पूजा में व्रत आदी और मीठा सबसे पहले खाया जाता है, उसके बाद ही कुछ खा सकते हैं। तो पहले मम्मी खाएगी, उसके बाद हम सबको ही खाएंगे, और उसके बाद कुछ भी खाएगी, प्रसाद चाय। सो अब मैं जा रही हूँ नीचे प्रसाद लेने के बाद चाय लाने के लिए, और मेरे मुँह में प्रसाद है, और वैसे ही मैं भाग रही हूँ जल्दी जल्दी नीचे।
खाने में बना है चावल, अरुई का पकौड़ी और दाल एंड गोभी आलू का सब्जी। सो बस इतना ही बना है। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।